एक सरोवर के पास एक नर और मादा सारस का सुंदर जोड़ा रहता था। उनके पास अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन वो दोनों दूसरे सभी सारस के बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनकी रक्षा भी करते थे। एक दिन एक शिकारी सरोवर के पास शिकार करने के लिए आया। उसने देखा कि सारस के बच्चों के पास कोई नहीं है, तो वो उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ गया। उसने एक बच्चे को पकड़ लिया। ये देखकर सारस के जोड़े की मादा सारस आगे आ गई। हे शिकारी, बच्चे पर दया करो, इसे छोड़ दो, इनके माँ बाप यहाँ नहीं है। मैं एक बच्चे को लेकर जाऊँगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दो। ठीक है, मैं बच्चे को नहीं पकड़ूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसी बीच नर सारस भी वहाँ आ गया। उसने जब देखा कि उसकी पत्नी शिकारी के साथ जाने को तैयार है, तो वो उसे बचाने के लिए आगे आ गया। हे शिकारी, कृपया करके मेरी धर्म पत्नी को छोड़ दीजिए, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इनके बदले मुझे पकड़ लीजिए, मैं हट्टा कट्टा हूँ। नहीं नहीं, मुझे ले चलो, ये मेरे स्वामी हैं, इनका कष्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज तो मैं केवल एक पक्षी को ले जा पाऊंगा, कल फिर आऊंगा, तुम्हें भी ले जाऊंगा। जब शिकारी ने नर सारस को पकड़ लिया, तब उसकी पत्नी बिलख पड़ी। उसके सामने उसकी दुनिया उजड़ रही थी। वो अपने प्रिय सारस की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उस शिकारी को उनकी तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। नर सारस के जाने के बाद मादा बेचारी अकेली चिंता में चूर हो गई। सारस के दूसरे बच्चे भी आसपास दुखी होकर खड़े हो गए। सारस के बच्चों के माँ बाप जब वहाँ आए और उन्होंने जब सारी बात समझी, तो वो दुखी हो गए। हमारे बच्चों ने सारी बात बताई है, आप दोनों ने मिलकर हमारे बच्चों को बचाया। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका जीवन साथी आपको फिर से मिल जाए, हम उनकी तलाश करेंगे। उधर नर सारस को शिकारी ने पिंजरे में रख दिया। वो उसे अच्छी कीमत पर बेचना चाहता था। नर सारस अपनी पत्नी को याद करके आंसू बहा रहा था। शिकारी ने कुछ रूखा सूखा सारस को खाने को दिया, जिसे उसने खाया नहीं। अरे मूर्ख सारस, अब रोने पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा, खा ले, नहीं तो दुर्बल हो जाएगा और मुझे अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, खा ले, नहीं तो मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। शिकारी ने डंडा उठा लिया तो सारस डर गया। शिकारी ने सारस को एक छोटे कमरे में रख दिया। सारस जान गया कि अब छुटकारा नहीं मिलेगा, इसलिए धीरे धीरे हालात से समझौता कर लिया। शिकारी बहुत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए उसकी दुश्मनी बहुत से लोगों से हो गई थी। उसका एक दुश्मन गागा नाम का शिकारी भी था। एक रात गागा उसके घर के पास आया। उसने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर घर में आग लगा दी। आग की लपटें बढ़ी तो सारस ने जाकर शिकारी को जगाया। अरे बाप रे, आग कैसे लग गई? बचाओ, बचाओ! वो घर का दरवाजा खोलने गया तो खुला नहीं, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था। उसकी परेशानी बढ़ गई। उसका घर जंगल में अकेला घर था, इसलिए आसपास कोई नहीं रहता था। हे भगवान, अब क्या करूं? उसी समय सारस घर के अंदर से आंगन के ऊपर से उड़कर बाहर चला गया। शिकारी ने सोचा कि अब सारस तो भाग गया। दूसरे ही पल घर का बाहरी दरवाजा खुल गया और सारस सामने खड़ा था। उसने शिकारी को बाहर आने का इशारा किया। शिकारी बाहर निकल आया। इस तरह सारस ने उसकी जान बचा ली। उसने सारस को प्यार से अपने करीब ले लिया। सारस, तुम बहुत अच्छे हो, तुम चाहते तो यहाँ से भागकर जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने आज मेरी जान बचाई है, लेकिन ये आग किसने लगाई है? सारस इधर उधर देखने लगा और दूसरे ही पल उसकी चोंच में एक ताबीज था, जिसे उसने शिकारी को दे दिया। ये तो दुष्ट गागा की ताबीज है, ये उसी की कारस्तानी है, उसको सजा मिलेगी। शिकारी की शिकायत पर पुलिस ने ताबीज के कारण गागा को पकड़ लिया। ये सारस का दूसरा एहसान था। प्यारे सारस, मैंने तुम्हें अपार कष्ट पहुंचाया, लेकिन तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। तुमने मेरी जान बचाकर जो एहसान किया है, इसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। मैंने तुम्हारी पत्नी से तुम्हें अलग करके बड़ा पाप किया है, अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो दोस्त, उड़ जाओ, जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, आज के बाद मैं किसी पक्षी को नहीं पकड़ूंगा।
सारस ने वहां से उड़ान भरी और कुछ ही समय में अपने सरोवर के पास पत्नी और दूसरे पक्षियों के बीच में पहुंच गया। मादा सारस ने जब अपने जीवन साथी को देखा तो खुशी से झूम उठी। वहां उपस्थित सभी सारस पक्षियों और बच्चों में भी खुशहाली की लहर दौड़ गई। एक गांव में किशन नाम का अनाथ लकड़हारा रहता था। गरीब होने की वजह से किशन से कोई भी दोस्ती नहीं करता था। किशन अपने घर पर अकेला ही रहता था। एक दिन की बात है, बारिश के बीच किशन जंगल से लकड़ी काट कर घर आ रहा था कि तभी उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया बारिश में भीग रही थी। किशन उस छोटी चिड़िया को देखकर अपने आप से बोला, अरे ये तो बहुत प्यारी चिड़िया है, ये तो सर्दी से कांप रही है। अगर बारिश की बूंदे इसके शरीर पर पड़ी तो ये बेचारी मर जाएगी। चलो मैं इसको अपने घर पर ले जाता हूँ। किशन उस चिड़िया को अपने घर पर ले आया। किशन ने उस चिड़िया की बहुत देखभाल की। कुछ ही दिनों में चिड़िया स्वस्थ हो गई। किशन ने बड़े प्रेम से उस चिड़िया का नाम चूचू रखा। एक दिन की बात है, किशन बाजार से एक बड़ा सा पिंजरा ले आया। पिंजरा देखकर चूचू उदास हो गई। अरे उदास मत हो, ये पिंजरा मैं तुम्हें कैद करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए लाया हूँ। रात में यहाँ पर बिल्लियाँ बहुत आती हैं, इस पिंजरे में तुम सुरक्षित रहोगी। किशन की बात सुनकर चूचू अपने पंख फड़फड़ाती हुई अपने आप पिंजरे के अंदर चली गई। अरे अजीब बात है, ये तो स्वयं पिंजरे के अंदर चली गई, क्या ये मेरी भाषा को समझती है? चूचू बड़े प्रेम से इंसानी भाषा में किशन से बोली, हाँ किशन भैया, मैं आपकी भाषा समझती हूँ और आपकी भाषा बोल भी सकती हूँ। चिड़िया की जबान से इंसानी भाषा सुनकर किशन बुरी तरह से घबरा गया। घबराइए मत किशन भैया, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लेकिन इंसानी भाषा बोल कैसे सकती हो, तुम तो एक चिड़िया हो। मैं कोई जादुई चिड़िया नहीं हूँ, मुझे जंगल में एक आदिवासी कबीले ने पाला था, उन्होंने ही मुझे इंसानी भाषा सिखाई थी। लेकिन तुम तो मुझे जंगल में बड़ी मुसीबत में मिली थी, तुम बारिश में भीग रही थी और तुम्हें सर्दी भी बहुत लग रही थी, तुम्हारे साथ तो कोई नहीं था। मैं जिस आदिवासी कबीले में रहती थी वहाँ पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया, सब तितर बितर हो गए, मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई। जब मैं जंगल में आपको मिली थी तब मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ पर बैठी थी। अब तुम घबराओ मत चूचू, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद चूचू और किशन में गहरी दोस्ती हो गई। किशन चूचू से घंटों अकेले बातें करता रहता। कुछ दिनों बाद किशन बीमार पड़ गया। एक दिन की बात है, किशन बेहोश था। चूचू अपनी चोंच से रुमाल पानी में भिगोकर किशन के मुंह पर रखकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। किशन भैया आप ठीक हो जाओगे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप स्वस्थ हो जाओ। किशन बेहोश था कि तभी वहां पर गांव का ही एक दूसरा व्यक्ति नट्टू आ गया। नट्टू और किशन में पैसों को लेकर कुछ विवाद था। नट्टू किशन से बेईमानी करना चाहता था। किशन ने इसी वजह से नट्टू के गाल पर थप्पड़ मार दिया। नट्टू थप्पड़ का बदला लेने के लिए चुपके से किशन के घर में घुस आया। अरे ये तो पहले से ही बीमार पड़ा है, इसका गला दबाकर मार देता हूँ, किसी को कोई शक भी नहीं होगा, सब यही समझेंगे कि बीमार था मर गया। नट्टू ने इतना कहा ही था कि तभी चूचू रोते हुए नट्टू से बोली, ऐसा मत कीजिए, ये मेरे भैया हैं, सुबह तक ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अरे वाह, ये चिड़िया तो बोलती भी है, क्या तू कोई जादुई चिड़िया है? नहीं मैं कोई जादुई चिड़िया नहीं, बस मैं इंसानी भाषा बोल सकती हूँ। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा, मैं किशन को मारे बगैर नहीं रहूंगा। चूचू ने देखा कि नट्टू की आंखों में खून सवार था। चूचू बहुत गहरी सोच में डूबकर बोली, किशन भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनके बदले तुम मेरी जान ले लो, किसी को जान से मारना ही सब कुछ नहीं होता, अगर आप उसकी किसी प्यारी चीज को उससे छीन लो वो खुद ब खुद मर जाता है। है तो तू चिड़िया, लेकिन बात तूने बड़े पते की बोली है। इतना कहकर नट्टू ने चूचू की गर्दन मरोड़ दी। चूचू ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया।
नट्टू वहाँ से चला गया। अगली सुबह किशन को होश आ गया और वह रोने लगा, क्योंकि किशन बेहोशी की हालत में चूचू और नट्टू की सारी बातें सुन सकता था। ये तुमने क्या किया मेरी प्यारी चूचू? तुमने मेरे प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि क्यों ले ली? नट्टू आज भी चूचू को याद करके बहुत रोता है। ऑप्शन किशन आज भी चूचू को याद करके बहुत रोता है।